रूस से यूक्रेन विचाले जंग लगातार 7वें दिन भी जारी है। माहौल बेहद ही तनावपूर्ण बनिया हुआ है। यूक्रेन के मौजूद भारतीय विद्यार्थी जो इस वेले उत्थे काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उसके विचाले हुण एक राहत वाली खबर सामने आई है। दस दें कि यूक्रेन तो घर परती हरियाणा के पानीपत शहर की रहने वाली पुनीता खड़ ने दसिया कि रूस और यूक्रेन दौजा तिरंगे वाले वाहनों सुरक्षित ढंग के जंगी खेत्र तो बाहर जान दे रही। घर परतन से पुनीता से उसके परिवार ने सुख का सह लिया है। उसने दसिया कि यूक्रेन के स्थिति इस वे बेहद डरावनी है, पर एक गल इस वे राहत वाली सामने आ रही है कि उसे भारत के तिरंगे झंडे को देख के यूक्रेन और रूस के सैनिकों ने उन्होंने रोकिया नहीं, उन्होंने सुरक्षित जान दे दिया। पुनीता ने घर वापसी के लिए सूबा और केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया है। पुनीता से यूक्रेन का हाल चाल पूछने के लिए कलोनी के लोग उन्होंने घर पहुंच रहे हैं। पुनीता के मुताबिक यूक्रेन के सरहद के बच्चों उस वे काफी मुश्किलों का परेशानियों का सामना भी करना पै रहा है, पर भारतीय समाज के लोग राजदूत सरहद पार करने विद्यार्थियों की मदद भी कर रहे हैं। इतने पहुंच के पुनीता से होर विद्यार्थियों ने केंद्र सरकार को एयरपोर्ट से आ रही समस्यावां लेके भी जानू करवाया है। पुनीता ने दसिया कि सुरक्षित घर पहुंचना यकीनी तौर पर मेरे लिए बेहद खुशी की गल है, पर इस तो बाद अचिंता उन्होंने बच्चों के बारे है जो अजे भी यूक्रेन सरहद के फंसे हुए हैं। पुनीता आज एयर इंडिया की फ्लाइट राही 150 विद्यार्थियों के नाल दिल्ली पहुंची है। पिछले 24 घंटों के रूस यूक्रेन जंग में फंसे उत्तराखंड के 10 विद्यार्थी सरकार की सरगर्मी कारण सुरक्षित अपने देश के वापस लौट के आए हैं।